একটা খালি ডায়লগ বলবো আর সেটাই আমি আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী আমি যা বলি তা করে দেখাই। मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो गए हैं और ये ममता के लिए बड़ा झटका है। मिथुन चक्रवर्ती को कभी ममता बनर्जी ने शारदा चिटफंड घोटाले में बलि का बकरा बनाने की कोशिश की थी, पर मिथुन दा ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए पार्टी ही छोड़ दी थी। भाजपा में मिथुन चक्रवर्ती के शामिल होने से टीएमसी के लिए मुश्किलें विधानसभा चुनाव में बढ़ने वाली है। TFI पर आपका स्वागत है, मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे मिथुन चक्रवर्ती का भाजपा में शामिल होना टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है। हाल ही में कोलकाता में एक ऐतिहासिक रैली में प्रख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया और जनता के प्रति अपने सेवा भाव को भी व्यक्त किया। मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में शामिल होने से ममता बनर्जी की बाहरी मुद्दे की राजनीति को भी बड़ा झटका लगा है। मिथुन चक्रवर्ती ने रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष एवं अन्य ने मिथुन चक्रवर्ती का पार्टी में स्वागत किया। मिथुन चक्रवर्ती के अनुसार, मैं हमेशा से वंचितों के लिए काम करना चाहता था और आज भाजपा ने मुझे अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए एक मंच दिया है। मुझे बंगाली होने पर गर्व है। मैं हमेशा जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी रैली का हिस्सा बनने का सपना नहीं देखा था, जिसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाना है। मैं हमारे समाज के गरीब वर्गों के लिए काम करना चाहता था और वह इच्छा अब जाकर पूरी होगी। मिथुन चक्रवर्ती का मूल नाम गौरांग चक्रवर्ती है। युवावस्था में वे नक्सल विचारधारा से बेहद प्रभावित थे और नक्सली बनने की राह पर निकल पड़े थे, परंतु उनके छोटे भाई की असामयिक मृत्यु ने उन्हें ये विचार त्यागने पर विवश कर दिया। अभिनेता बनने के बावजूद वे राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और फिर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य बने। ऐसे में अपनी विचारधारा के ठीक उलट भाजपा का दामन थामना कई लोगों को आश्चर्यजनक लगा, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस निर्णय के पीछे किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस का हाथ रहा है और कैसे मिथुन का भाजपा में शामिल होना इस पार्टी के लिए भी किसी अभिशाप से कम नहीं है। इसका मूल कारण है 2016 का वो साल जब शारदा चिटफंड घोटाला उजागर हुआ था। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती तब शारदा चिटफंड हाउसिंग सोसाइटी के प्रमुख प्रचारकों में से एक हुआ करते थे। इस एवज में उन्होंने 1.2 करोड़ रुपए भी कमाए, लेकिन जब यह घोटाला उजागर हुआ तो नैतिकता के आधार पर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने 1.2 करोड़ रुपए वापस देते हुए कहा कि वे जनता की आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तब मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे और इसी नाते से वे राज्यसभा से सांसद भी थे, परंतु इस घोटाले के बाद उन्होंने ये पद भी त्याग दिया। तब आग बबूला हुई ममता बनर्जी ने उन्हें अपमानित करने और घोटाले में उन्हें बलि का बकरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब जब मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हुए हैं तो ये ममता बनर्जी की पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आज भी मिथुन दा की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और वे अभी भी कई लोगों के चहेते हैं। कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को भी इस बात का आभास है, तभी वे मिथुन के चरित्र हनन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात रॉय ने उन्हें एक गुजरे जमाने का सितारा बताते हुए उनके पुराने निर्णयों पर हमला किया है और ये भी जताने की कोशिश की कि कैसे मिथुन चक्रवर्ती ने जनता के साथ धोखेबाजी की है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती उन लोगों में से नहीं जो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को आसानी से भूल जाए। भाजपा में उनका शामिल होना इस बात का सूचक है कि तृणमूल कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि उन्हीं की जुबानी में कहें तो हारे हुए लोग देश की तकदीर नहीं बदलते।